दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टेनिस ग्रैंड स्लैम विजेता नोवाक जोकोविच के बारे में। तो दोस्तों सर्बिया के वर्ल्ड नंबर वन जोकोविच ने छठी बार विंबलडन खिताब अपने नाम किया है। फाइनल में उन्होंने मोंटेओ बेरेटिनी को शिकस्त दी। यह जोकोविच का 20वां ग्रैंड स्लैम है। इसी के साथ ही उन्होंने दुनिया के सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम विजेता स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और स्पेन के राफेल नडाल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं, जोकोविच ने इस साल के शुरुआती तीनों ग्रैंड स्लैम यानी कि ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और विंबलडन जीत लिए हैं। साल का आखिरी खिताब टूर्नामेंट यूएस ओपन अगस्त के आखिरी में हो सकता है। तब जोकोविच के पास रोजर फेडरर और राफेल नडाल को पीछे छोड़कर इतिहास रचने का मौका रहेगा। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूं जोकोविच के कुछ उपलब्धियों के बारे में। फर्स्ट, ओपन एरा में रिकॉर्ड 6वीं बार विंबलडन खिताब जीतने वाले जोकोविच तीसरे प्लेयर बन गए हैं। अब तक रोजर फेडरर ने सबसे ज्यादा यानी कि 8 बार और अमेरिका के पीट सैम्प्रॉन्स ने 7 बार विंबलडन खिताब जीता है। जोकोविच ने विंबलडन के फाइनल में रोजर फेडरर को 3 बार हराकर खिताब जीता था। सेकंड, ग्रैंड स्लैम के वर्ल्ड नंबर वन जोकोविच लगातार 3 बार विंबलडन जीतने वाले तीसरे प्लेयर बन गए हैं। इससे पहले ये कारनामा रोजर फेडरर और ब्योमबर्ग कर चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, नोवाक जोकोविच ने कुल 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, जिनमें 9 ऑस्ट्रेलियन ओपन, 6 विंबलडन ओपन, 3 यूएस ओपन और 2 फ्रेंच ओपन जीते हैं। वहीं स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और स्पेन के राफेल नडाल ने भी 20-20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। तो दोस्तों आई होप कि मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो।